हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111 111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होने वाली है। हम आज लाइन पोर्टल के ऊपर देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस कैसे रहेंगे इस 8-8 लाइन गेट्स पोर्टल के एनर्जी के बाद। आपके पर्सन के कनेक्शन एनर्जी में क्या शिफ्ट्स होंगे, आपके कनेक्शन में क्या शिफ्ट्स होंगे, ठीक है। सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे आपके रिश्ते के बारे में और आपके पर्सन के बारे में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो बेसिकली इफेक्ट देखेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उनकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनमें चेंज क्या आएगा। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एनर्जेटिक जेमस्टोन क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स में बहुत जल्द रीओपन करूँगी, तो उसके स्लॉट्स की बुकिंग्स के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। जैसे ही रीओपन होगा मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। सो लेट्स सी लायंस गेट पोर्टल आपके कनेक्शन में क्या चमत्कार करेगा। We have the blasted oak, we have the forest lovers, we have five of vessels, bottom deck se we have five of stones. Okay. सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहले आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने तरफ से सोचते थे कि मैं सही हूँ या मेरे तरीके के जैसे चीज़ें हैं वो सही है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है बहुत बार कि आपके कनेक्शन में आपको ये ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाते थे या फिर आपकी बातों को नहीं मानते थे, ठीक है। और हमेशा बस अपना अपना देखना, सेल्फिश एनर्जी, ठीक है। हमेशा अपना देखना, अपने अकॉर्डिंगली हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसी वाली एनर्जी थी। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि करेंटली आपके पर्सन जो हैं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। करेंटली आपके पर्सन जो हैं आपके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पास्ट में या प्रेजेंट में जितने भी बातें आपने इन्हें कही हो या एक्सप्रेस की हो, वो सारी चीज़ों को फील करने की कोशिश आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को एक मैच्योरिटी का एहसास हो रहा है कि रिश्ता जो है वो वन साइडेड तरीके से नहीं चलता, या फिर हम अगर चाहें कि बस हमारे अकॉर्डिंगली सब कुछ चले तो वो पॉसिबल नहीं है। उससे चीज़ें हमेशा टूटेंगी, बिखरेंगी, बर्बाद होंगी, ठीक है। सो अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि जो डिफ़िकल्टी हो रही है उनके कनेक्शन में या जो डिफ़िकल्टी उन्होंने क्रिएट करी है उससे आप दोनों को ही छुटकारा मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे यह नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके करीब आना चाह रहे हैं। उससे भी ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें आपको अब समझना है, उन्हें आपको वक्त देना है, उन्हें आपके लिए कुछ करना है, उन्हें आपका साथी बनना है हमेशा के लिए और अंडरस्टैंडिंग बनना है बेसिकली, ताकि वो आपको समझ सके, आपके भावनाओं को प्रायोरिटाइज कर सके, इंपॉर्टेंस दे सके इस रिश्ते में, ठीक है। तो ऐसे फीलिंग्स आपके पर्सन की यहाँ पर करंटली चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये एक कनेक्शन को एक नया मौका देना चाहते हैं अगर सेपरेशन है तो। और अगर कनेक्शन नहीं है लेकिन ये आपके क्रश है, फ्रेंड है, सिचुएशनशिप है, अनकन्फ्यूज लव है, तो ये पर्सन जो है आपके आपके भावनाओं को समझना चाह रहे हैं। आप लाइक आपके जगह में रहकर ये सारी चीज़ों को फील करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके करीब और भी ज़्यादा आए एंड आपके सपोर्ट सिस्टम ये बन पाए। ऐसी वाली एनर्जी इनकी चल रही है। सो चलिए देखते हैं कि लायंस गेट पोर्टल के वजह से आप इस पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्ट्स होंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या शिफ्ट्स होंगे आपके लिए। देखते हैं, ये तो उनकी करंट फीलिंग्स थी। वी हैव फोर ऑफ कप्स, वी हैव फोर ऑफ कॉइन्स, डबल फोर, फोर प्लस फोर एट, ओके। फाइव ऑफ कॉइन्स,
एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम रेक से वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए इनके अंदर एक यू नो एक एनर्जी आएगी जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि वो इस रिश्ते को इस तरीके से बिखरने नहीं दे सकते, बर्बाद होने नहीं दे सकते, या फिर अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उन्हें ऐसा फील होगा कि इस रिश्ते को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उन्हें सिक्योर रखना है, दूसरों की बुरी नज़रों से बचाना है, ठीक है। तो जो भी यू नो दूरियाँ हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं या यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अकेलापन है आप दोनों का, आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि इस तरीके से एक दूसरे से नाराज़ रहकर या इस तरीके से दूर रहकर, एक दूसरे को समय ना देकर हम जो है गलत कर रहे हैं, हमें इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये रिश्ता ये पर्सन यानी कि आप उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें ऐसा फील होगा कि डिवाइन की तरफ से आप उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको प्रोटेक्ट ना करके वो बाकी चीज़ों पर कैसे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें इस रिश्ते को बचाना है, उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको सिक्योर रखना है, आप दोनों के रिश्ते को सिक्योर रखना है, जितना हो सके उतना उन्हें आपके पास रहना है, उन्हें अवेलेबल रहना है, और जितना हो सके उन्हें खुशियाँ क्रिएट करने की कोशिश करनी है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में पैशन लाने की कोशिश करनी है, आप दोनों के रिश्ते में इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रही है। और एक इनको ऐसा फील होगा कि इनके अंदर एक भावना आएगी कि इन्हें इस रिश्ते पर यू नो इस तरीके का एफर्ट डालना है ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति यू नो ऐसा फील करो कि नहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, यानी यू नो हमें एक दूसरे के लिए मेहनत करनी है, एक दूसरे के कनेक्शन को वर्क करवाने के लिए, ठीक है। तो इस पर्सन की जो शिफ्ट है एनर्जी में बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि एक मैच्योरिटी बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये दायित्व लेना चाहेंगे आपके रिश्ते का। सो अगर सेपरेशन भी है या मैरिड कपल्स या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को फील होगा कि इनको रिस्पॉन्सिबल बनना है इस रिश्ते के लिए, इन्हें इस रिश्ते को हैप्पीनेस में बदलना है, इन्हें इस रिश्ते में यू नो अच्छे एफर्ट्स डालने हैं ताकि चीज़ें अच्छी हो, डिसअपॉइंटमेंट्स ना रहे, स्ट्रगल ना रहे, अकेलापन या दूरियां ना रहे। तो वो दूरियों को मिटाना चाहेंगे, ठीक है, करीब आना चाहेंगे और आपको यू नो हमेशा अपना बनाने की कोशिश करना चाहेंगे। और उसके लिए ये बहुत क्लियर रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इनडायरेक्ट वे से कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर ये बहुत क्लियर रहेंगे कि हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड मुझे इस रिश्ते के लिए मेहनत करनी है, एंड मुझे तुम्हें अपने पास चाहिए। बहुत क्लियर हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, कम्युनिकेट अच्छे से करेंगे। ये शिफ्ट इनके एनर्जी में, इनके भावनाओं में मुझे नज़र आ रहा है इस लायन गेट पोर्टल की वजह से आने वाला है। देखते हैं आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा इस पोर्टल की वजह से। वी हैव हैप्पी फैमिली नंबर 4, देखिए 444444 यहाँ पर आ गया है, तो एंजल नंबर्स की यहाँ पर प्रेजेंस आ गई है, यानी कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, वी हैव हीलर ऑफ द एजेस इन रिवर्स नंबर 51, बड़ों तरफ से वी हैव द वर्ल्ड नंबर 29। सो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके रिश्ते में ये चेंज आएगा कि सबसे पहले तो आप दोनों और भी ज़्यादा करीब आने वाले हो, आप दोनों के दिल में एक जिद आने वाली है एक दूसरे को परस्यू करने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हो ना हो, आप दोनों के अंदर एक एनर्जी आएगा, करेज आएगा कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है और एक दूसरे की हैप्पीनेस बननी है, ठीक है। तो आप दोनों के रिश्ते में मुझे चेंज नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें अभी तक हील नहीं हुई है, जिस चीज़ में आप दोनों अपने अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हो इंडिविजुअली, या कोई और इश्यूज़ है मेंटली अलग अलग, यू नो आपके लाइफ में अलग उनके लाइफ में अलग, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक होना शुरू करेंगी, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मुझे लग रहा है सबसे पहले आप दोनों की यूनियन होगी मेंटली इमोशनली फिजिकली, ठीक है, आप दोनों की न्यू बिगनिंग होगी, आप दोनों साथ में हाथ पकड़ के चलना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो चेंज है ये बहुत जल्दी होगा, विद इन अ वीक, विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू आवर्स, ठीक है। और फिर जब साथ में आ जाओगे, यूनियन में आ जाओगे, या फिर यू नो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करोगे या एक्सप्रेस कर दोगे, उसके बाद आप दोनों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है, वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू करेगी, वो धीरे धीरे फिक्स होना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये शिफ्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
देखिए, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना एक एक जेन्युइन एनर्जी आने वाली है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के मन में कोई गिल्ट रह सकता है, आपके दिल में रह सकता है, कोई नाराज़गी हो सकती है, वो सब ना हटने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी है, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के अपने अपने साथ आप दोनों सच्चे रहोगे कि हाँ मैं इन्हें प्यार करती हूँ या करता हूँ, मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप दोनों के दिलो दिमाग में माइंड गेम्स या यू नो कोई नेगेटिविटी ईगो वगैरह है तो वो हट जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं नहीं भी होंगे तो वो कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में क्रिएट होगी, वो कंफर्ट क्रिएट होगा जिससे आप दोनों इनसेपरेबल हो जाओगे, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा होना नहीं चाहोगे, आप दोनों एक दूसरे पे यू नो एक दूसरे के पीस बनोगे, एक दूसरे के हैप्पीनेस बनोगे। सो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की क्लोजनेस बॉन्ड आप दोनों की क्रिएट हो जाएगी कि आप दोनों बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे एक दूसरे के साथ, जेन्युइन फील करेंगे, ओके। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यू नो आप दोनों रियलाइज़ करोगे कि किसी भी रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, या यू नो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है, या कोई नेगेटिविटी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता आपके लिए बना नहीं है, वो इंसान आपके लिए बना नहीं है। कभी कभार यू नो सही चीज़ों के लिए वो झगड़े होते हैं, या किसी चीज़ को समझने के लिए वो झगड़े वो लड़ाइयाँ होती है, ठीक है। तो अगर आप दोनों के माइंड में ऐसा था कि आप दोनों यू नो झगड़ चुके हो और अलग हो चुके हो, और आप दोनों ने सोचा था कि नहीं रिश्ता खत्म हो गया है बिकॉज लड़ाई हो गई है या ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी झगड़ा हुआ वो लेसन्स के लिए था, या कुछ सीखने के लिए था, या फिर आप दोनों एक दूसरे को जानने के लिए वो चीज़ था। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपके रिश्ते में चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ता जो है नई सिरे से फिर से शुरू होगा एक ब्लेसिंग के साथ, ठीक है। तो जो भी टर्मोइल्स गुजरे हैं या प्रॉब्लम आई है रिश्ते में या पर्सन के साथ, तो वो एक पीरियड था, नेक्स्ट पीरियड फिर से आ रहा है, तो आप दोनों अलग नहीं हो रहे हो बेसिकली। अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो, या फिर अगर लग रहा था कि नहीं आप दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता, तो वो गलत था, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। हाँ, सो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस एंजल्स की। लेट्स सी एंजल की गाइडेंस। लेट्स सी टॉलरेंस। सो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि आप दोनों की ज़िद खत्म होगी, और आप दोनों को ट्राई भी करने की ज़िद खत्म, और कहीं ना कहीं आप अगर सुन रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करना है जो चीज़ आप अपने पर्सन पे अपने रिश्ते में प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो आप प्यार तो कर रहे हो लेकिन उस रिश्ते में खुश नहीं हो, या उस रिश्ते में जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर आप खुश नहीं हो रहे हो। आप ट्राई करो एडजस्ट करने की, आप ट्राई करो कि यू नो बैठ कर बात कर यू नो चीज़ों को फिक्स करने की, रैदर देन प्यार भी कर रहे हो बट नेगेटिविटी भी फील हो रही है रिश्ते में रहकर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अप्रिशिएट करो जो अच्छी चीज़ें हैं आपके पर्सन में, आपके प्यार, आप दोनों के प्यार में, ठीक है। और ये चीज़ आपके पर्सन भी मुझे दिख रहा है कि फॉलो करेंगे, ओके। ये एनर्जी बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए एंजल्स की कुछ और भी गाइडेंस यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए। लेट्स सी बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा है तो काइंडली इग्नोर इट, यहाँ पर भजन चल रहा है आई गेस। सो यस, वी हैव चैरिटी प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यू नो अपने इंट्यूशन से जुड़िए, अपने ईश्वर से जुड़िए, ओके। और जो चाहते हैं वो बोलिए, दिल से अगर प्यार चाहते हैं, दिल से इस इंसान को चाहते हैं, तो ज़रूर दिल से वो अपने तरफ से ना सच्चाई रखें, फिर अल्टीमेटली आपको वो रिश्ता मिलना होगा, वो पर्सन मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, वो ईश्वर की उसमें ईश्वर की यू नो डिसीशन होगी वो अल्टीमेटली। लेकिन आप दिल से जो चाहते हो, चाहे वो आपका करियर हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, जिसे चाहते हो, जो चाहते हो, वो दिल से मांगो, उसके बाद वो मिले तो वो आपके लिए सही है, अगर ना मिले तो समझ जाना कि वो आपके लिए सही नहीं है, उससे कुछ अच्छा बेहतर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अपने इंट्यूशंस को हमेशा प्योर रखो, थॉट्स को प्योर रखो, गोल्स को, डिज़ायर्स को प्योर रखो, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।